गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे के सारे। एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:21 और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ काम निपटा के, क्योंकि कल मैं टाइम से सो गया था। वीडियो मैंने शाम को 12:01 बजे रात में अपलोड कर दी थी, लेकिन अभी क्या है कि मैं उठा, फिर से थोड़ा सा काम था अंदर, गाड़ी साफ़ करना था, थोड़ा सा घर धोना था, लेकिन मैंने पूरा नहीं धोया क्योंकि 10 बजे जाना है ड्यूटी। रात में ये मैडम ने व्हाट्सएप करके बता दिया था कि 10 बजे जाना है ड्यूटी। उसके बाद मैंने क्या किया, सवेरे आज उठ गया, सवेरे सो गया, क्योंकि सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया, ड्राइविंग का लाइफ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है और सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरी सेफ्टी नहीं तो इनकी पूरी फैमिली की सेफ्टी हमारे ऊपर होती है। वैसे तो ज़्यादा सेफ्टी फीचर होते ही हैं, लेकिन पूरे परिवार को हम एक साथ लेके जा रहे होते तो हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उन्हें जितनी ज़्यादा सेफ तरीके से उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा सकें। तो आज बहुत दिनों के बाद हम बाहर जाने वाले हैं, तो आपको सऊदी का बाहर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं रहता है कि कब कहाँ लेके चले जाएं। तो अभी लग गया है मुझे बहुत तेज भूख, तो अभी थोड़ा सा मैगी बना लेते हैं। हम लोग वैसे मैगी ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन लेके आ गए थे, वैसे किसी दिन मन बन गया था तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो हम मैगी बना के थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद ड्यूटी भी जाना है तो थोड़ा सा पेट में कुछ रहेगा तो अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक लगता है। वैसे भूख लग जाती है बाद में ना, तो फिर कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करूँ, घर पर भी नहीं जा सकते, कितना टाइम लगाएंगे इन लोग, समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कितने समय के लिए जा रहा है, कभी भी फोन आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैगी बनाने के लिए हमें चाहिए मैगी, ऑब्वियसली मैगी नहीं रहेगा तो मैगी कैसे बनेगा। उसके बाद हमें चाहिए होता है थोड़ा सा पत्ता गोभी, यहाँ से ले लेते हैं। हमें चाहिए थोड़ा सा मिर्ची, तो हम हरी मिर्ची का यूज़ करेंगे। मटर चाहिए हरी वाली, यहाँ पर इसको भी हम ले लेते हैं। मसाले वगैरह इधर रखे हुए हैं तो सब हम यहाँ से ले लेंगे। मैगी हमारा रेडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बना लिया। अब खाने के बाद पता लगेगा कैसा बना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद मैगी बनाया है। उसके पहले आपको एक सिनेमैटिक लुक देता हूँ। ये रहा हमारा मैगी, और मैगी का पहला निवाला हम देखते हैं कैसा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत दिनों के बाद बनाया, लेकिन मैंने जिस हिसाब से सोचा था उतना टेस्टी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फटाफट से खा लेते हैं, अभी टाइम हो रहा है लेट, हमको 10 बजे जाना है ड्यूटी, 9 बजे के आसपास हो गए, नहाना भी है। देख सकते हो 80% यहाँ पे रेंडर हुआ है। इसमें ना थोड़ा स्लो रेंडर होता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड है नहीं। अब 8 GB रैम है तो उसी में से चूसता है। 4 GB इसमें इंटीग्रेटेड रैम के लिए दिया है इन लोगों ने, अगर जरूरत पड़ी तो 4 GB यूज कर सकता है। तो इस हिसाब से इसमें ना थोड़ा सा स्लो रेंडर होता है, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, एडिटिंग में थोड़ा स्लो है। तो ये लैपटॉप मैंने लिया था, लेकिन क्या बताऊँ यार, अब यहाँ पे लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, लैपटॉप मिल रही था आउट ऑफ स्टॉक था जो भी मैं जा रहा था लेने, और बाकी जो मिल रहा था बहुत ही महंगा था जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो यही लिया काम चलाने के लिए। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो यार दूसरा ले लेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि यार वीडियो कैसा लगता है और हमें क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी आप लोग बताते रहोगे हम अगली वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट जरूर देखने मिलेगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो में कुछ खास भी नहीं था और यहाँ पे ब्लॉग भी काफ़ी छोटा हमने बनाया, लेकिन फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसको लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ। देखो मैं गया था ड्यूटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सोचा नहीं शूट करने के लिए, लेकिन जब मैडम साथ में होती है ना, फिर आदमी कैमरा कैसे यूज़ करेगा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, अगर हम अकेले रहते तो हम कुछ भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हर चीज़, और आज आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को भी मिलते, लेकिन यार मैं क्या बताऊँ, आई एम सॉरी, मुझे खुद भी बुरा लग रहा है कि इतने अच्छे जगह मैं गया था और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। यहाँ पे रियाद के जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसमें मैं गया था, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। तो प्लीज़ यार
समझा करो। और हाँ, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाय।